राजधानी देहरादून में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। नगर निगम के मेयर ने अपने स्तर पर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। वहीं जिला अधिकारी सोनिका ने कहा कि जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और ऊर्जा विभाग समेत सभी विभागों की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि जो लोग भी देश और विदेश से उत्तराखंड आ रहे हैं, वह राजधानी देहरादून में एक अच्छा संदेश लेकर जाएं और भारी तादाद में उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें, जिससे कि युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया हो सके, जिसके लिए राजधानी देहरादून में स्वच्छता और सुंदरता पर विशेष फोकस किया जा रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है, और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाद डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, MDD, नगर निगम, जिला प्रशासन और PWD, UPCL, सभी विभाग जो हैं अपने अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इनके फंड रिलीज हो गए हैं और DPRs वगैरह सब बन गई हैं। जहाँ तक मुझे जो अपडेटेड स्थिति है वो यही है कि कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन बोर्ड आ गए हैं, तो कार्य अब समिट के पूरे देश से विदेश से हमारे देहरादून में सब लोग आएंगे। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जो शहर की साज सज्जा है, शहर की व्यवस्था है वो ठीक हो। जो हमारे जानवर सड़कों में घूमते हैं उनको भी जो है उनको वहाँ से उठाकर उचित स्थान पर उनको रखेंगे, और जो लाइट की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था ठीक करने के लिए अधिकारियों को कहा है, जो सफाई की व्यवस्था उसको ठीक करने के लिए कहा है और चुस्त दुरुस्त करने के लिए कहा है।